ज्यादा एंटरटेनिंग रहने वाला हाइड्रा की तरफ से अगर बात करी जाए तो स्प्रे गॉड और ड्यूरो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दूसरी तरफ रेकनिंग की तरफ से हमको सेवेजरी ऑलरेडी देखने को मिले और नो वन मौजूद है और टीम हाइड्रा क्या लगता है क्या पिक रहेगा यहाँ पर रेडर आपका? हाइड्रा 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 मेरे लिए देखिए हाइड्रा रहेगी वो पिक जहाँ पे मुझे लगता है कि हाइड्रा जीती हुई देख सकती है इस पर्टिकुलर मैचअप को। ढोरा ने तो शुरुआत भी कर दी है, ढोरा ने वो पहला फ्रैग भी ले लिया जिसकी हम बात कर रहे थे और साथ ही साथ देखिए तीन फ्रैग टोटल अगर देखा जाए यहाँ पे निकल के आ चुके हैं और यहाँ पे रुकेंगे नहीं। M416 पे 3x को बोलता एंगल का आइडिया नहीं था शायद यहाँ पे कहीं और नोवन को भी जिस तरीके से टेकडाउन किया गया दैट इज आल्सो क्वाइट इंट्रिगिंग टू वॉच। हाइड्रा स्प्रे गॉड यहाँ पे तीन फ्रैग्स के साथ देखने को मिल जाएंगे और भी बड़े फ्रैग्स निकाल सकते हैं। फ्री फायर के अंदर फंसे दिखे खिलाड़ी स्प्रे गॉड बैकआउट करना चाहेंगे इस एंगल से, कामयाबी मिलेगी फिर से यहाँ पे टीम हाइड्रा के धुरंधरों को और ये लीजिए 7-0 का स्कोर लाइन। हाइड्रा इज वंस अगेन रेनिंग ऑन टॉप और लगातार हाइड्रा बढ़ती चली जा रही है, दे आर अनस्टॉपेबल। नहीं बिल्कुल बात करी जाए तो फिलहाल टीम हाइड्रा 9-0 की ये स्कोर लाइन ऑलरेडी देखिए कर चुके हैं और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं एक सबसे बड़ा जो गेम है वो हमको विटनेस करने को मिल सकता है। ड्यूरा 11-0 हमको ये स्कोर लाइन देखने को मिल जाएगी और टीम रेकनिंग अभी तक फिलहाल देखिए संघर्ष कर रहे हैं कि अपना वो पहला पॉइंट किसी तरीके से ढूंढ ले और अगर इसी तरीके से चीजें चलती नहीं तो 40-0 तो नहीं होगा बट ये जितने ज्यादा शून्य के साथ साथ टीम हाइड्रा अपने पॉइंट बढ़ा रही है उतने ज्यादा दूर इस मुकाबले से टीम रेकनिंग। फिलहाल अब तो देखिए वो एक तरफा कर ही दिया है ये पहले 1.5 मिनट में मुकाबले को, कांटे की टक्कर देखने को मिली और फाइनली रेकनिंग के पास यहाँ पे उनका एक मौका मिला एक काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखने को मिली कि चलिए पहला फ्रैग निकल गया है बट इट इज नॉट इनफ। यहाँ पे फिर भी लगातार फ्रैग्स को इकट्ठा करते दिखेंगे हाइड्रा के प्लेयर्स। स्प्रे गॉड और ड्रोरा का एक कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है और मजे की बात तो ये कि काफी ज्यादा बैलेंस आउट देखने को मिल रहा है दोनों प्लेयर्स। अगर हाइड्रा स्प्रे गॉड के पास 8 फ्रैग है तो वहीं पे 8 फ्रैग देखने को मिल जाएंगे आपको ड्रोरा के पास भी। कुछ इस तरीके से खेल रहे हैं खिलाड़ी की समझिए समायोजन देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छा और ये पहले के 2 मिनट्स है गाइस, पहले के 2 मिनट में ही 8 फ्रैग्स बटोर बैठे हैं और रुक अभी भी नहीं देख रहे हैं, अभी भी यहाँ पे लगातार अपना पोटेंशियल प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। नोवन की बात करी जाए उन्हें भी चलिए डी डाउन कर दिया जाएगा और साथ ही साथ सैवेजरी को भी डाउन करने की कोशिश देखने को मिलेगी। स्प्रे गॉड और ढोरा ओपोनेंट के स्पॉन में घुस के डी डाउन करना चाह रहे हैं उन्हें। देखिए बिल्कुल अपोनेंट में यहाँ पर जो स्पॉन पे उनके बेस में यहाँ पर घुस कर जो उनको डाउन करना चाह रहे हैं और 21-1 की स्कोर लाइन हो चुकी है गाइस। अगर देखिए गेम देखने का अगर आप इतना लोड अगर आपको हो रहा है तो भाई कर लो यार जल्दी जल्दी जाकर जो हमारा जो रूटर वो यहाँ पर डाउनलोड। और रूटर प्रो में हम सब जानते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर जो रेटर वो 1080p पे आपको जो स्ट्रीम देखने को मिलेगी 1080p HD पे जो कि और भी ज़्यादा बेहतरीन क्लियर क्वालिटी देगा और मुकाबला भी थोड़ा सा पहले चल रहा है आपको वहाँ पर ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स पता लग जाएंगे। और बहुत से गिवअवेज भी जो है ऑलरेडी शुरू है जहाँ पर आप BGMI UC और जर्सी भी जो है विन कर सकते हो। जी बिल्कुल ये एडेड अपॉर्चुनिटीज है एडेड बोनसेस आपके लिए जिसका आप फायदा उठा सकते हैं बिल्कुल 24-4। ओह माय गॉड दिस इज नॉट लुकिंग इजी, लग रहा है कि फिलहाल टीम यहाँ पे हाइड्रा जो है बहुत जल्द एक रिकॉर्ड सेट कर सकती है कि कितना जल्दी आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं एट अ मार्कर ऑफ 40 पॉइंट्स और 40 पॉइंट्स से सिर्फ 15 कदम दूर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इट्स नॉट इवन गोइंग टू बी इजी इनफ, यहाँ पे 26-4 का स्कोर लाइन देखने को मिल रहा है। 13-13 प्रॉपर फ्रैग्स यहाँ पे डिवाइड हो चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल अगर बात करी जाए वो फ्रैग्स वगैरह तो यहाँ पर जो ऑलरेडी डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं 13-13, लेकिन सामने वाले में अगर आप बात करें ना खेमे में उधर तो डिवाइड करने को कुछ छोड़ा ही नहीं है। 4 की ये स्कोर लाइन है, ये तो सबसे ज्यादा जल्दी यहाँ पर जो मुकाबला है वो समाप्त होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है 28-4 की ये स्कोर लाइन। और क्या कहोगे आप, मतलब ये तो एक तरफा कर दिया यहाँ पर जो है बिल्कुल ही टीम हाइड्रा ने, इतना तो देखिए एक्सपेक्ट बिल्कुल किसी ने नहीं करा होगा। जी हाँ बिल्कुल अगर बात करें जहाँ पे पोटेंशियल की तो बिल्कुल प्रूव करते हुए दिखेंगे, एक्सपेक्टेशन से परे यहाँ पे जो गेम है पूरा देखने को मिल रहा है इस समय। एंड ढोरा 15 फ्रैग्स पे ऑलरेडी निकल के आ चुके हैं यहाँ पे और अभी भी रुक नहीं रहे, लगातार अपने पॉइंट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रैग्स को निकालने की कोशिश करते हुए दिखेंगे। स्प्रे गॉड की अगर बात करी जाए वो 14 फ्रैग्स यहाँ पे निकाल चुके हैं, साथ ही साथ 8 फ्रैग्स पे भी सिर्फ यहाँ पे रुके हुए हैं जो प्लेयर्स हैं वो टीम रेकनिंग के, काफी मुश्किल में फंसे हुए हैं टू बी ऑनेस्ट। ढोरा और बाकी इंडिविजुअल्स लगातार फ्रैग्स को इकट्ठा करते हुए दिखेंगे यहाँ पे। अगर देखा जाए सेवेजरी को भी डाउन कर दिया जाएगा, नोवन की बात करी जाए उन्हें भी प्रॉपर कंटेस्ट करते हुए दिखेंगे, दे आर प्रूविंग एवरी सिंगल वर्थ एट दिस पॉइंट। हाइड्रा को अगर फैंस पसंद करते हैं तो उसका रीजन हाइड्रा दे रही है यहाँ पे उनको, वाह व्हाट अ प्ले। लेकिन पीछे से सेवेजरी का अगर देखा जाए तो एक डब्बा आते हुए दिखा, ढोरा को डाउन कर दिया जाएगा व्हिच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। और चलिए कुछ ऐसे ही तो टीडीएम बैटल का एक्शन प्रोलॉन्ग होता है। 5 मिनट बचे हैं अभी भी शेष और यहाँ पे पैन निकाल लिया गया, पोटेंशियली फैन आउट करेंगे प्लेयर को, लीजिए स्प्रे गॉड की तरफ से वो पैन भी कनेक्ट यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। 15वां फ्रैग स्प्रे गॉड का एक स्टाइलिश पैन के अंदर कन्वर्ट होता हुआ दिखा और स्प्रे गॉड को अभी भी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और काफी क्लोज है, 8 फ्रैग उन्हें और चाहिए
बट वो मिलेंगे नहीं इतनी आसानी से। ये बिल्कुल, अगर बात करी जाए वो कुछ और ट्रैक्स चाहिए, बट वो 8 ट्रैक्स भी अभी नहीं तो फिलहाल अगले 1 मिनट में जो है मिल ही जाने वाले, उसमें बिल्कुल भी समस्या जो है रहने नहीं वाली। बट जिस तरीके से चीज़ें चली है ना टीम रेकनिंग के लिए, वो बिल्कुल भी खुश यहाँ पर जो है नहीं होंगे। मतलब उनको पता है कि भाई इतनी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर खेल सकते थे, बट इस प्रकार से यहाँ पर जो हार का सामना करना पड़ेगा ये तो फिलहाल देखिए किसी ने भी यहाँ पर मैं समझता हूँ नहीं सोचा हुआ किसी भी खेमे से। बट फिलहाल देवियो और सज्जनों यहाँ पर जो है, आप लोग यहाँ पर जो है भाई चैट सेक्शन में एक बार हेल हाइड्रा जो है वो लगातार ना स्पैम यहाँ पर जो करते रहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खेला है वो अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए। और लीजिए अब तो इस रिकॉर्ड पैन भी करना चाहते हैं, वो शायद पैन करने में भी कामयाबी प्राप्त हो जाए। जी नहीं, अभी तक तो नहीं हुई, और अब लीजिए वो फर्स्ट और पैन निकालिए वगैरह वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे अंतिम 2 फिनिशर्स के लिए। जी देखिए बहुत ही अच्छा खासा टाइम बचा है, काफी अच्छे समय के साथ साथ अगर आप देखें तो मौका है आराम से पैन आउट भी कर सकते हैं प्लेयर को, बट क्या वो पैन के लिए जाएंगे सवाल तो यहाँ पे यही उठता है। हालांकि सेवेजरी डाउन करते हुए देखेंगे, इस ब्रेकआउट को भी डाउन करते जगह मीली करना चाह रहे हैं, फिस्ट करना चाह रहे हैं अपने अपोनेंट को, कामयाब तो अभी तक नहीं हो पाया बट शायद हो जाएंगे। लेकिन डोरा को बचाया जाएगा, डोरा को टेकडाउन किया जाएगा, आई मीन नो वन को बचा लिया जाएगा यहाँ पे, अदरवाइज शायद फिस्ट आउट कर दिया जाता प्लेयर को। बट चलिए चांसेस बन रहे हैं, लीजिए एक और पैन, और इस बार पैन से लेंगे वो आखिरी फ्राई।